नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपका लॉकडाउन प्रोग्राम के तहत जीएस का रिवीजन क्लास चल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हमारा कौन सा टॉपिक रिवाइज करवाया जाएगा। तो आज आपका भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि भूगोल की श्रृंखला का 6 पार्ट हो चुका है, जिसमें आप 20-20 प्रश्नों को ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विश्व के भूगोल के हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र या जो भी यूए चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का आपका पहला प्रश्न है, देखिए, आइए, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कहाँ का? फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप कहेंगे लूनोज, ठीक। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीन देशों की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? तो आपका बोस्निया द्वीप तीन देशों की भूमि वाला द्वीप है, ठीक। और तीन देश कौन कौन है देख लीजिए। तीन देश ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया की भूमि वाला देश वाला द्वीप कौन है? बोस्निया द्वीप। आइए आगे चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, जहाँ पर हिमानी निर्मित छोटी छोटी झीलें सैकड़ों की संख्या में समूहों में पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आप उसे झील वाटिका कहते हैं। जहाँ पर हिमानी निर्मित छोटी छोटी झीलें सैकड़ों की संख्या में पाई जाती हैं, फिनलैंड में कई झील वाटिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। दरार घाटी की झील कौन सी है? तो दरार घाटी की झील आपका टंगानिका, न्यासा, ग्रेट साल्ट लेक सभी है। तो आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं, अपरदन द्वारा ऊंचे भूभागों पर घिसने से कैसा मैदान बनेगा? तो आपका अपरदन द्वारा ऊंचे भूभागों पर घिसने से आपका समप्राय मैदान बनेगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन सा झील या सागर है? तो आपको मालूम है कि कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पे अरल सागर आपका पाया जाता है, ठीक है। आइए अरल सागर, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है कि खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील यूरोप को एशिया से अलग करती है। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ठीक। चलिए सातवां प्रश्न आज का, महान हिमयुग का संबंध किससे है? किसका? महान हिमयुग का संबंध, तो आपका महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन से है, ठीक। महान हिमयुग की शुरुआत लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। इस दौरान पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का तापमान लंबे समय के लिए कम हो गया था। परिणाम स्वरूप महाद्वीपों के बड़े भूभाग पर बृहद पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ था, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का आठवां प्रश्न। हमारा आठवां प्रश्न क्या है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका प्रशांत महासागर में, ठीक। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस तटीय श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त तथा अग्निवलय कहते हैं, ठीक है। तो आपका अधिकांश ज्वालामुखी पर्वतमाला कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। चलिए नौवां प्रश्न देखिए आप, पृथ्वी तल के नीचे से नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? तो आपका पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को हम मैग्मा कहते हैं, ठीक। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान मैग्मा धरातल पर आने के बाद लावा कहलाता है। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा के जमने के परिणामस्वरूप हुआ है, ठीक। तो चलिए नौ प्रश्न हमारा समाप्त होता है, आज दसवें प्रश्न में चलते हैं। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित होते हैं? तो जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो नीस में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। चलिए आज के 11वें प्रश्न पे चलते हैं। पथरीले रेगिस्तानों में
एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? तो आपका यारडंग बनाती हैं। ठीक, देख लीजिए, देखिए यहाँ क्या लिखा है। यारडंग का निर्माण निश्चित रूप से पवन की दिशा के समांतर रूप से पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा होता है। यारडंग की ऊंचाई 20 फीट तक, चौड़ाई 30 से 120 फीट तक होती है। ठीक, तो आपका पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवा कहलाती है यारडंग। आइए आज के 12वें प्रश्न पर। दक्षिण आल्पस पर्वतमाला कहाँ स्थित है? आपको मालूम है न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिण आल्पस पर्वतमाला, दक्षिण आल्पस पर्वतमाला न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के मध्य में स्थित है। यह वालित पर्वत का उदाहरण है। और यहाँ आपका आल्पस पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3724 मीटर। आइए 13वें प्रश्न पर चलते हैं हम। हार्बुज जल संधि पाई जाती है, बताइए। हार्बुज जल संधि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो यह जल संधि आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य पाई जाती है। ठीक, कहाँ कहाँ? हार्बुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं आज का 14वां प्रश्न। वह बिंदु जहाँ भूकंप की लहरें सर्वप्रथम आघात करती हैं कहा जाता है, तो उसको अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ भूकंप की लहरें सर्वप्रथम आघात करती हैं उसको अधिकेंद्र। ठीक, आइए 15वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या में जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है वह स्थान भूकंप का केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उसे PCS क्लास पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए। किस देश के तट पर अल नीनो धारा प्रकट होती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह आपका पेरू के तट पर, पेरू के तट के निकट 3 डिग्री से 36 डिग्री अक्षांश के बीच एक उपसतही अस्थायी एवं गर्म जल धारा प्रवाहित होती है जिसे अल नीनो के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस जल धारा का प्रभाव संपूर्ण विश्व की जलवायु पर पड़ता है। आइए आज के 16वें प्रश्न पर चलते हैं। चरणोजम मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो आपका चरणोजम मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? शीतोष्ण प्रदेश में, शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदानों में चरणोजम मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो आपका यहाँ हो गया। आइए 17वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोंडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है? तो आपको मालूम है नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोंडा जनजाति पाए जाते हैं, तो उनका मूल निवास कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आइए 18वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया जाता है? तो ये आपका कहाँ है? दाहेज। ठीक, आइए चलते हैं आज के 19वें प्रश्न पे। हमारा आज का 19वां प्रश्न है। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकार द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो आपका दक्षिणी द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? किस भाग? मिनिकार द्वीप के नाम से। लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिनिकार द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक, अरब सागर में स्थित मिनिकार स्थानीय नाम उसका क्या है? मलिक। भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एलाट प्रवाल द्वीप है। यहाँ मौसम व्यवस्थाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित है। ठीक, तो आपका मिनिकार द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? दक्षिण भागों को अरब सागर के। आज का 20वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा गतिजन्य है? तो आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र क्या है? गतिजन्य है। उपोष्ण कटिबंध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उच्च दाब का निर्माण होता है, अतः इसे गतिजन्य कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसको आप देख लीजिए एक बार, इसका वीडियो देख लीजिए और PDF को भी डाउनलोड करके वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और यदि आप UPPCS 2020 एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक, तो आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, आपको टोटल सामान्य अध्ययन का 25 पेपर करवाया जाएगा और 5 समसामयिकी के अलग से पेपर करवाए जाएंगे, टोटल आपका 30 पेपर हो जाएगा। तो इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना है तो मतलब दिए गए नंबर 8318121793 पर कॉल करके
जानकारी ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।